हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट वन टू थाउजेंड सिक्स सेवेंटीन में पूछा हुआ क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट वन का दो हज़ार सत्रह का क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है द फैक्ट एज टू हाउ क्लोजली द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग फॉलोज द मेजर्ड वेरिएबल्स इज कॉल्ड द क्या होगा क्या बोलेंगे इसको फिडिलिटी क्या हो जाएगा फिडिलिटी द फैक्ट एज टू हाउ क्लोजिंग द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग फॉलो द मेजर्ड वेरिएबल्स इज कॉल्ड फिडिलिटी सेकेंड क्वेश्चन देखिए द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन टू फुल स्केल डेविएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड क्या होगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लीनियरिटी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन टू द टू फुल स्केल डेविएशन इज कॉल्ड लिनियरिटी क्वेश्चन नंबर थ्री है इज डिफाइंड एज क्या हो जाएगा क्लोजनेस विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप टू द ट्रू वैल्यू ऑप्शन बी हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर फोर देखिए एन एमीटर इज एमीटर क्या है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है क्या है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए द डैम्पिंग टर्क मस्ट ऑपरेट ओनली वेन द मूविंग सिस्टम ऑफ द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज क्या हो जाएगा एक्चुअली मूविंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एक्चुअली मूविंग क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए फॉर ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर द टाइप ऑफ सपोर्ट यूज इज सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के लिए कौन सा टाइप सपोर्ट का यूज किया जाता है सस्पेंशन का यूज किया जाता है ऑप्शन ए सस्पेंशन क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए द डिफ्लेक्टिंग टर्क ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्टिंग टर्क जो होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है वही पीएमएमसी में क्या होता है पीएमएमसी में डिफ्लेक्शन जो है डिफ्लेक्टिंग टर्क सॉरी यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टर्क का बात किया है टी डी जो है तो टी डी क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टू आई स्क्वायर होगा बी हो जाएगा बी देखिए द स्केल यूज विथ ए मूविंग क्वाइल मीटर इज मूविंग क्वाइल मीटर में जो स्केल यूज होता है वो कौन किस तरह का स्केल होता है मूविंग क्वाइल में लीनियर स्केल होता है वही लीनियर बोलिए या यूनिफॉर्म स्केल होता है वही मूविंग आयरन में जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल का यूज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन द पीएमएमसी मीटर कैन मेजर पीएमएमसी मीटर क्या मेजर करता है ओनली डीसी मेजर करता है ऑप्शन बी हो जाएगा केवल डीसी मेजर करता है क्वेश्चन नंबर टेन देखिए हाई एसी सी आर यूजुअली मेजर्ड विथ हाई ए सी वोल्टेज हम लोग कैसे मेजर करते हैं हाई ए सी वोल्टेज हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एंड वोल्ट मीटर की मदद से करते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एंड वोल्ट मीटर क्वेश्चन नंबर एलेवन है ए डाइनमोमीटर टाइप वाट मीटर टू द डाइनोमीटर टाइप वाट मीटर क्या रिस्पॉन्स करता है एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए इन ए टू वाट मीटर मैथड ऑफ मेजरिंग पावर वन ऑफ द वाट मीटर इज रीडिंग जीरो वाट्स द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज़ कितना हो जाएगा एक जीरो वाट करता है दूसरा हायर पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू होगा और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन कैलविन डबल ब्रिज इज बेस्ट सुटेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैलविन डबल ब्रिज से हम लोग क्या मेजर करते हैं लो रेसिस्टेंस मेजर करते हैं लो रेसिस्टेंस ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए विच इंस्ट्रूमेंट हैज़ द लोएस्ट रेसिस्टेंस सबसे कम रेसिस्टेंस किसका होगा ए मीटर का ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाई द लॉस ऑफ़ चार्ज मैथड लॉस ऑफ चार्ज मैथड से हम लोग क्या मेजर करते हैं तो हाई रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए ए मेगर इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ़ मेगर की मदद मतलब से हम लोग क्या मेजर करते हैं इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है द पोटेंशियो मीटर इज ए स्टैंडर्डाइज स्टैंडाइज फॉर मेकिंग इट एकूरेट एंड डायरेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगा ऑप्शन सी एक्ूरेट एंड डायरेक्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देखिए एंडरसन ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंडरसन ब्रिज से हम लोग क्या मेजर करते हैं इंडक्टेंस मेजर करते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिए सियरिंग ब्रिज इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ सियरिंग ब्रिज से हम लोग क्या मेजर करते हैं कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं कैपेसिटेंस शियरिंग ब्रिज और वेंस ब्रिज वेंस ब्रिज और सियरिंग ब्रिज से हम लोग कैपेसिटेंस मेजर करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है द टाइम बेस सिग्नल इन ए सीआरओ इज सी में जो टाइम बेस सिग्नल होता है वो कैसा होता है सौतुत वेव होता है सौतुत सिग्नल होता है ऑप्शन सी हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टेस्ट सिग्नल यूज फॉर डिटरमिनेशन ऑफ डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब हाउ द रेंज ऑफ फ्लक्स मीटर कैन बी इंक्रीज बाय संट व्हाट इज द मल्टीप्लाइंग पावर लिखना है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मूविंग कॉयल एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस लिखना है मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट में कॉइल मूव करता है मूविंग आयरन में आयरन मूव करता है मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट का स्केल यूनिफॉर्म होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है ए एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरल रिस्पेक्टिवली वाई ये बताना है आपको गिव द स्पेशल फीचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर इसी का और में है एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स व्हाट आर देयर एडवांटेजेज ओवर द संट एंड मल्टीप्लायर्स क्वेश्चन नंबर फाइव है गिव द प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स कंपेयर द फीचर्स ऑफ पोटेंशियल एंड करेंट ट्रांसफार्मर बताना है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट स्केचेज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मेगर मेगर का आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग करना है वाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ ए सी पोटेंशियो मीटर ए सी पोटेंशियो मीटर के साथ क्या प्रॉब्लम आता है उसको लिखना है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए सी आर ओ सी आर ओ का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखना है ग्रुप सी में है एक्सप्लन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एररस डैट मे अकार इन मेजरमेंट मेजरमेंट में कितने टाइप का एरर होता है उसको लिखना है ग्रॉस एरर सिस्टमेटिक एरर रेंडम एरर फिर सिस्टमेटिक एरर तीन टाइप का होता है इंस्ट्रूमेंट एरर इन्वायरमेंटल एरर ऑब्जर्वेशनल एरर उसको लिख देना है गिव द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रो एस्टेटिक वोल्ट मीटर एक्सप्लेन हाउ उड यू इंक्रीज द ऑपरेटिंग फोर्स एंड वोल्टेज रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर क्वेश्चन नंबर एट है हाउ वुड यू एक्सटेंड द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर्स एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल इसी के और में क्वेश्चन है ड्रॉ कनेक्शन डायग्राम एंड वेक्टर डायग्राम फॉर पावर मेजरमेंट इन ए थ्री फेज लोड यूजिंग टू वाट मीटर मैथड एंड एक्सप्लेन इट एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ कैलविन डबल ब्रिज मैंसन वाई दिस ब्रिज इज यूज फॉर एकुरेट मेजरमेंट ऑफ लो रेसिस्टेंस कैलविन ब्रिज के बारे में लिखना है ड्रॉ ए निट एस्केमेटिक डायग्राम ऑफ द एंडरसन ब्रिज डिड्यूस द इक्वेशंस वेन द ब्रिज इज अंडर बैलेंस कंडीशन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन दिखाना है और एंडरसन ब्रिज को लिखना है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ हेज ब्रिज हेज ब्रिज का वर्किंग लिखना है इट इज सेट डायट दिस ब्रिज इज सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई क्यू इंडक्टर गिव रीजन हाई क्यू इंडक्टर इसे हम लोग मेजर करते हैं क्यों बताना है एक्सप्लेन हाउ फ्रॉम द लिजेसियस पैटर्न एपियरिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ ए सी आर ओ द फेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अनोन सिग्नल कैन बी डिटर्मिन ये आपको लिखना है राइट शॉर्ट नोट्स एंड डी आर सोनेबल गलवेनोमीटर मैक्सवेल ब्रिज ये दोनों में से या एक्सप्लेन द टर्म एक प्रिसीजन सेंसिटिविटी नॉइज इसको लिखना है तो इस लेक्चर में हम लोग इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन को हम लोग देखें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डिफरेंट सारा क्वेश्चन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच